हमने अब तक कई केसेस देखे हैं जिसमें आए दिन लोगों को कितने समय से ही जेल में बंद रखा जाता है, इसके बावजूद कि कई में तो अक्यूज्ड के खिलाफ ना ही ट्रायल शुरू हुआ है और ना ही इन्वेस्टिगेशन खत्म। कुछ ऐसे ही केसेस को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टॉप लीडर सच संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को रिलीफ दी है। यहाँ तो हम फिर भी बात कर रहे हैं फेमस मिनिस्टर्स की, पर अगर उन केसेस पर एक नज़र डाले जिसमें नॉर्मल सिटीजन मौजूद है तो ऐसे कई केसेस सामने आएंगे जिसमें ये सेम थिंग फॉलो हो रहा है। लोगों को जल्दी बेल नहीं देने की वजह से प्रिजन में ओवरक्राउडिंग और इनह्यूमन सिचुएशंस भी पैदा हो रही है जो लोगों के फंडामेंटल राइट को हार्म करता है। और ये मसला सबसे ज्यादा हाईलाइटेड और कहीं नहीं बल्कि यूपी स्टेट में देखने को मिला है। ओवरक्राउडिंग की वजह से जहां यूपी स्टेट ने ऑलरेडी एक बार सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुनी है, वहीं एक ऐसे दूसरे केस में वापस से यूपी स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें कि जस्टिसेस अभय एस ओक और ऑगस्टीन जॉर्ज मशी मौजूद थे, कि इतनी जोरदार फटकार मिली है कि लोग चकरा गए हैं कि भला यूपी स्टेट गवर्नमेंट इतनी ढीठ कैसे है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का पालन क्यों नहीं कर रही है। क्या है ये मामला और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने डांटते हुए यूपी स्टेट गवर्नमेंट को क्या कहा है, आगे देखते हैं। तो मामले की शुरुआत होती है सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने एक प्ली की सुनवाई से, जिसमें अ कन्विक्ट वाज सीकिंग रिमिशन इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल पॉलिसी ऑफ द स्टेट, यानी कि आसान शब्दों में एक अक्यूज जो जेल में बंद है अर्ली रिलीज के लिए अपने एप्लीकेशन को कंसिडर करने की मांग कर रहा था। इस केस की हियरिंग में अप्रैल के दौरान सुप्रीम कोर्ट बेंच हैड ग्रांटेड 6 वीक्स टू द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, पर इस डेडलाइन तक यूपी गवर्नमेंट ने कोई भी फैसला नहीं लिया था, इसके बावजूद कि अक्यूज्ड के केस को जेल अथॉरिटीज भी फेवर कर रहे थे। ये देखकर तो सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी भड़क गई कि अप्रैल में दिए गए डायरेक्शंस का अभी तक यूपी सरकार कैसे पालन नहीं कर सकती है, और उन्हें फटकारते हुए स्टेट किया, हाउ इन एवरी केस यू आर डिफाइंग आवर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, एवरी केस वेयर वी डायरेक्ट यू टू कंसिडर द केस फॉर प्रीमैच्योर रिलीज यू डोंट कम्प्लाई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्रिजन डिपार्टमेंट ऑफ यूपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहने को कहा था, और जिसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि फाइल्स ऑफ ऑल केसेस आर बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वी सेंड द फाइल टू द कंसर्न मिनिस्टर ऑन 5 जुलाई एंड फ्रॉम देयर इट वॉज सेंड टू सीएम ऑन 11 जुलाई एंड गवर्नर ऑन 6 अगस्त। हालांकि इस सबमिशन के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी भड़की हुई दिखी और वापस से फटकारते हुए कहा, वी स्ट्रांगली डिसअप्रूव, दिस इज नॉट डन, Why is UP not complying with our orders? We will not leave you like this. सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी चौंक भी गई कि भला एक स्टेट गवर्नमेंट ऐसे कैसे कन्विक्ट्स के फंडामेंटल राइट के साथ खिलवाड़ कर सकती है, और फटकारते हुए कहा, This is brazen. He is playing with the fundamental rights of convict. We strongly disapprove. This is not done. मामला और बिगड़ गया जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस केस में कुछ और समय की मांग कर ली, ये कहते हुए कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लीव पर है। ये सुनने की देर थी कि सुप्रीम कोर्ट बेंच का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने डांटते हुए कहा, हाउ कैन यू टेक 2 to 4 months इवन आफ्टर वी पास एन ऑर्डर। जब जस्टिस ओक ने पूछा कि इतने डिले के लिए आखिर कन्विक्ट को कौन कंपनसेट करेगा, तो अपने डिफेंस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने स्टेट किया कि वी रिसीव्ड द प्रपोजल ऑन 16 अप्रैल एंड इन द मीनवाइल कोड ऑफ कंडक्ट वाज इम्पोज्ड। ये सुनकर तो जस्टिस ओक ने पलट जवाब देते हुए कहा कि वी हैव सेड दैट इट विल नॉट कम इन द वे, पर वहीं सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा कि द सीएम सेक्रेटेरिएट डिड नॉट रिसीव द फाइल। ये सुनकर तो सुप्रीम कोर्ट बेंच भड़क गई और अपना ऑर्डर स्टेट करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी फटकारा और कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैज हार्डली एनी एक्सप्लेनेशन फॉर लॉन्ग डिले, व्हाट इज शॉकिंग इज द रिस्पांस, ही स्टेट्स दैट नॉट विदस्टैंडिंग ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट दैट कोड ऑफ कंडक्ट विल नॉट कम ऑन द वे टू डिसाइड रिमिशन प्ली, फाइल फॉरवर्डेड टू द सेक्रेटरी ऑफ सीएम वाज नॉट एक्सेप्टेड, अल्टीमेटली द फाइल वाज सेंट टू द सीएम सेक्रेटेरिएट ओनली आफ्टर द कोड ऑफ कंडक्ट वाज ओवर, वी डायरेक्ट द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू फाइल एन अफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ नेम्स ऑफ ऑफिसर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फाइल्स। जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपने ऑर्डर में एड भी किया कि ही ऑल्सो स्टेट whether any effort was made by him to present before the concerned officers that the government was bound by court orders. Before we issue contempt notice, we direct Mr. Rakesh Kumar to file an affidavit setting out what he has told us orally. जिसके साथ ही इस मामले की next date of hearing अब 20 अगस्त की फिक्स हो गई है, पर आपको बता दें कि ये first time नहीं था जब यूपी गवर्नमेंट ने इस मामले में टाइम की मांग की हो। पिछले हियरिंग में भी जब उन्होंने कहा था कि उन्हें टाइम चाहिए,
तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने फटकारते हुए स्टेट किया था कि 4 months have passed, again you are asking for 2 more months to decide the plea. Nothing has been done as far as state of UP is considered. We have seen that the orders passed by this court for considering remission plea of accused persons in a specific time is not being considered. इससे तो साफ है कि इसकी भी लास्ट हियरिंग में उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम की मांग की थी और बस यही करते करते मामले को डिले कर रहे हैं। पर सुप्रीम कोर्ट बेंच भी पीछे नहीं हटकर और फटकारते हुए कह रही है कि वी वांट टू करेक्ट द सिस्टम। इसके साथ ही हमने आपको यूपी की जेल में हो रही ओवरक्राउडिंग के बारे में भी बताया था, जिसकी वजह से भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ रही है। असल में सो मोटो प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड बाय द टॉप कोर्ट टू चेक ओवरक्राउडिंग इन प्रिजंस अक्रॉस स्टेट्स इन इंडिया। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को एज अमिकस क्यूरी हेल्प कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल। अमिकस ने 7 states की रिपोर्ट बनाकर और उनके द्वारा फाइल किए गए एफिडेविट्स को समराइज करके सबमिट किया था। साथ ही उन्होंने कोर्ट द्वारा इंस्ट्रक्ट की गई डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज के रिकमेंडेशंस और सजेशंस को भी डिस्कस किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल को न्यू एफिडेविट्स फाइल करने को कहा था। और अपने नोट में सुप्रीम कोर्ट को बताते हुए सीनियर एडवोकेट अग्रवाल ने स्टेट भी किया था कि इट इज टू बी नोटेड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ जेल्स देयर इज ओवरक्राउडिंग इन नन ऑफ दीस केसेस द रिकमेंडेशन मेड बाय द कमिटी टू रिड्यूस ओवरक्राउडिंग हैज बीन प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड। Though the state in its affidavit has mentioned that certain new jails wards have been started or would be operational soon or are under construction or proposed, there is no time limit mentioned. It is not clear whether the said proposals will be able to reduce the overcrowding in the identified jails. यहाँ पर और किसी स्टेट की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के एफिडेविट की बात हो रही है, जिसमें सरकार ने कहा तो है कि उन्होंने डिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाई है, पर उन्होंने ऐसे कैसे किया है उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। और इस बारे में नोट में मेंशन था कि द एफिडेविट इज साइलेंट ऑन दीज एस्पेक्ट। इट अपीयर्स दैट बाय मैथमेटिकल फार्मूला डिटेंशन कैपेसिटी इज शोन टू बी इंक्रीज्ड। सिर्फ यही नहीं बल्कि जस्टिस अमन उल्लाह के बेंच के सामने मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट अग्रवाल ने ये भी स्टेट किया, The undersigned would beg leave to draw attention of this honorable court to annexure 5 of the affidavit whereby the state has increased the detention capacity and suggested that the overcrowding is much less. It is not clear from the affidavit how the detention capacity has been increased, whether it is a notional increase or an actual increase. और इस मामले में यूपी स्टेट गवर्नमेंट को धमकी देते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्टेट भी किया है कि remember consequences will be drastic if a state does this to the court. जहां एक और ये सब हो रहा है, वहीं जेल में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात भी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने आई हुई है, जिन्होंने इस मामले में काफी नाराजगी जताई है। और वहीं एक दूसरी ओर जस्टिसेस हीमा कोहली और संदीप मेहता की बेंच ने ओवरक्राउडिंग इन जेल और इनह्यूमन कंडीशंस के लिए स्टेट वाइज डायरेक्शंस पास किए हैं, जिसमें कि यूपी सरकार को ये ऑर्डर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश स्टेट ने बताया कि वो 8 नए जेल्स और एग्जिस्टिंग जेल्स में नए बैरक्स बना रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए 5 साल का टाइमलाइन क्वेश्चन किया और जल्दी एक्शन लेने को कहा। अमिकस ने 72 जेल्स पे 54 इश्यूज हाईलाइट किए और अर्जेंट अटेंशन वाले एरियाज रिकमेंड किए, इंक्लूडिंग एडिशनल बैरक्स बनाना और पानी सप्लाई इम्प्रूव करना। कोर्ट ने स्टेट को नई एफिडेविट फाइल करने को कहा है जो इन डायरेक्शंस पे फोकस करेगी। तो देखते हैं कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट कब फास्ट एक्शन लेगी और सुप्रीम कोर्ट की डांट कब सुनेगी। टिल देन की फॉलोइंग लॉ चक्रा।